अब गैस यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आप मेरे को ज़रूर बताना किसकी बेटर लग रही है। वैसे वैसे मेरे को तो दोनों की बेटर लग रही है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दोनों में ही मिल जाती है आपको। सो वेलकम करता हूँ गैस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ का कंपेरिजन करने वाला हूँ आज, फायरबोल्ट की इनविंसिबल वर्सेज फायरबोल्ट की ही विजनरी। तो यहाँ पे टॉप नॉच दोनों में ही बिल्ड क्वालिटी मिलेगी आपको, और यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी टॉप नॉच मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल तो विजनरी है, और ये रही हमारे पास देख सकते हो इनविंसिबल। दोनों की डिस्प्ले में चेंज कुछ नहीं है, पर्टिकुलरली एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और लुक और फील देख सकते हो इस तरीके का मिलता है आपको। बट ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, इसके अंदर आप पिक नहीं लगा सकते, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस नहीं लगा सकते। कंपनीज को आसानी से रिजॉल्व कर सकती है, इसमें अपनी पिक लगाने का ऑप्शन दे सकती है, बट पता नहीं क्यों नहीं दे रही है। और यहाँ पे ऑलवेज ऑन का फीचर मिलता है, बट ये बहुत ज़्यादा डार्क है। देखो यहाँ पे ये देख सकते हो ये रे, बट इसमें आपको ऑलवेज ऑन बहुत तगड़ा मिलता है, देख सकते हो यहाँ पे विजिबल है, पर्टिकुलरली सनलाइट में भी विजिबल है। तो ये है इसमें कहीं ना कहीं, और वैसे सनलाइट विजिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से दोनों का ही लुक मिलता है। अगर आप चैनल पे आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। दोनों की बेस्ट बेलिंग मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ग्रैब ऑन कर सकते हो। यहाँ पे इनविंसिबल का जो प्राइसिंग है 6,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में अभी ऑन ऑफिशियल वेबसाइट मिल रही है आपको, तो आप जाके ग्रैब कर सकते हो। और वैसे इसका जो प्राइसिंग है ये आपका 5,000 रुपीज़ हो चुका है, अब बढ़ गया इसका प्राइस, बट ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी आपको 3,500 रुपये में एक ही कलर बचा हुआ है वो मिल रहा है, और वो भी पिंक वाला आई गेस कलर है। तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा मेरे ख्याल से, ग्रे और ब्लैक कलर वॉइस के लिए परफेक्ट है वैसे तो। और डेफिनेटली यहाँ पे देख सकते हो क्राउन वर्किंग है, लुक और फील इसका एप्पल की वॉच की जैसा आता है आपको मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले है अच्छी खासी, स्टेनलेस स्टील का एलुमिनियम का बेसिकली डायल मिलता है आपको। और गैस बात करें यहाँ पे 22mm स्ट्रैप साइज, ये चेंज हो सकता है, आफ्टर मार्केट का आपको लगाना पड़ेगा। मैंने कंपनी से पूछा वैसे पर्टिकुलरली, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास हम इसके लूज स्ट्रैप्स नहीं बेचते हैं, तो कंपनी से तो नहीं मिलेंगे आपको, ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिलेंगे आपको, पर्टिकुलरली मार्केट लोकल मार्केट से आपको देखने पड़ेंगे। और 1.78 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है, एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पे आपको 1.39 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और इसमें भी बहुत अच्छा लुक आता है आपका। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी 22mm स्ट्रैप साइज वाले स्ट्रैप्स हैं, और ये आपको लेदर वाले स्ट्रैप्स मिलते हैं, और इवन इसके बॉक्स में एक और स्ट्रैप फ्री मिलते हैं आपको, जो कि बहुत अच्छी बात है। सिलिकन वाले स्ट्रैप्स फ्री मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी आपको मेटेलिक डायल है, बेस इसका पॉलीकार्बोनेट मिलता है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ आती है भी, यहाँ भी आपको डेडिकेटेड सेंसर देखने को मिल जाते हैं इसमें भी। और अच्छी बात है यहाँ पे कि एमोलेड डिस्प्ले मिलती है दोनों में ही आपको, और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यूल बटन मिलता है एक मेन्यू पे जाने के लिए, एक आपका स्पोर्ट्स मोड पे जाने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे एक मेन्यू पे है ही वाला। ओके ये देखो इस तरीके से मेन्यू इसका काम कर रहा है प्रॉपरली, और स्पोर्ट्स मोड पे तो गया था एक्चुअली मैं इससे, नो इश्यूज़ गाइस यहाँ पे इससे जा रही है, मेरे को लग रहा था कि इससे स्पोर्ट्स मोड पे जाना चाहिए वैसे इसको। यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे नीचे बटन दबाते हो तो स्पोर्ट्स मोड पे जाते हो, यहाँ पे वन सेकेंड, अभी मैंने इसमें वो ऑन कर रखा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो उसको जैसे हम ऑफ करते हैं तो नीचे वाला स्पोर्ट्स मोड पे ले जाता है बटन हमारा। तो हम देख लेते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आप सभी को, यहाँ पे ऑलवेज ऑन अगर मैं ऑफ करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे ओके किस में दिखा रहा था गाइस, स्पोर्ट्स मोड तो दिखाया था किसी में, आई डोंट नो, बट स्पोर्ट्स मोड पे भी आपको यहीं से जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये रहा प्रॉपरली क्राउन, इसमें भी वर्क करता है राइट। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं, इसको हटाते हैं, एक्चुअली ऑन हो गया ये। तो यहाँ पे एस्थेटिक्स तो हमने देख ली दोनों ही वॉचेस की, अच्छी खासी मिल जाती हैं, लुक और फील अच्छा है दोनों ही वॉचेस का। बट यहाँ पे उसी के साथ साथ थिकनेस देख लो आप, किसकी ज़्यादा किसकी कम है, इस तरीके से थिकनेस मिलती है आपको। एक तरफ यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिली हुई है, यहाँ पे फायरबोल्ट की ब्रांडिंग यहाँ पे नहीं है, बट पीछे की साइड आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पे भी आपको ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे भी, और ऑलवेज ऑन 24 घंटे ऑन रख सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं मेन्यू चेंज कर देता हूँ, व्यू मोड यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट वन लिस्ट टू, तो यहाँ पे लिस्ट वाला कर देता हूँ ताकि अच्छे से हम यहाँ पे वो कर पाएँ राइट। अब सही है, तो गाइज इस तरीके का मिलता है आपको। वॉच फेस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, वॉच फेस में गाइज यहाँ पे कमाल कर दिया है यहाँ पे इनविजिबल ने, हंड्रेड्स ऑफ वॉच फेस गाइज, हंड्रेड्स ऑफ वॉच फेस इन द वॉच इटसेल्फ, क्योंकि 8GB इंटरनल मेमोरी मिलती है इसमें, इसमें सिर्फ 120 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, यहाँ पे सिर्फ 8 से 10 वॉच फेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको टन्स ऑफ वॉच फेस मिल जाते हैं, अपने मूड के अकॉर्डिंग कोई सा भी आपको लगाना लगा सकते हो, यहाँ पे दिख सकते हो यहाँ पे राइट। तो यहाँ पे ये वाला लग चुका है, ये रहा
ये रहा इस तरीके से, राइट। तो आप कोई सा भी लगा सकते हो इसमें, बस ये कमी है कि इसमें अपना अपनी पिक वाइज वॉचेस लगाने का ऑप्शन दे दे कंपनी तो और भी बेटर रहेगा। बेजल्स देख सकते हो किसकी ज़्यादा किसकी कम है, यहाँ पे मैं दिखाया था एक बार आपको ये रही। तो इस तरीके से चारों तरफ सिमेट्रिकल बेजल्स मिलती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बेजल मिलती हैं आपको, यहाँ पे थोड़ी सी कम मिलती हैं, राइट। ऊपर की साइड से स्वाइप करते तो यहाँ पे टॉगल मेन्यू मिल जाता है, दोनों में ही यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन दिखाता है, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, उसी के साथ साथ यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखाता है। ये मैंने कल फुल चार्ज की थी और 58% है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैंने ऑन कर रखी है और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग पे जाते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है दोनों में ही, सबसे पहले डिस्प्ले मिल जाती है दोनों में ही। डिस्प्ले में आपको ऑटो स्लीप का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे 30 सेकंड मैंने मैक्सिमम कर रखा है, यहाँ पे क्लॉक स्टाइल आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, राइट। और आइडल क्लॉक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आइडल क्लॉक मतलब ऑलवेज ऑन वाला, इसमें 12 मिल जाते हैं आपको, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें सिर्फ 2 ही मिलते हैं। तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग जॉन साहब को चाहिए वो रख सकते हो, इवन ये वाले मिल जाते हैं आपको। और बोल रहा है कि ऐसे रखोगे तो डेफिनेटली बैटरी ज़्यादा खाएगी वॉच, तो ऑब्वियसली बात है ऑलवेज ऑन रखे हो तो बैटरी ज़्यादा खाएगी। मेन्यू स्टाइल में यहाँ पे आपको हनी कॉम इसमें मिल जाता है आई वॉच वाला मेन्यू, और ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। उसी के साथ साथ स्क्रीन ऑफ जो है आपका ये ऑलवेज ऑन, अगर ऑलवेज रखते हो तो ऑलवेज भी रख सकते हो, और 20 मिनट्स का रखना है तो वो भी रख सकते हो, राइट। उसी के साथ साथ यहाँ पे डायल स्विच का ऑप्शन है, ब्राइटनेस है यहाँ पे, और मेन्यू स्टाइल और ऑटो स्लीप का ऑप्शन है, दैट्स इट। नीचे चलते हैं यहाँ पे वाइब्रेशन स्ट्रेंथ यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कर रखी है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलती है आपको यहाँ पे भी, वाइब्रेशन मैंने स्ट्रॉन्ग कर रखी है, सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग मैंने कर रखी है वैसे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मोड, यहाँ पे कॉल मोड आप चेक कर सकते हो, वाइब्रेशन एंड बेल और ऑफ, यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, राइट। बट आपको इन द ऐप इट्सेल्फ या फ़ोन के ब्लूटूथ मेन्यू में आप वहाँ पे चेक कर पाओगे, वहाँ पे आप म्यूज़िक आपके फ़ोन में ना बजे सारा का सारा, तो आप उसमें ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो वाला प्रोफाइल ऑफ कर दो, कॉल वाला रहने दो ताकि कॉल लग पाए आपकी। ब्राइटनेस यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे ब्राइटनेस मैंने कम कर रखी है, यहाँ पे अब मैंने और बढ़ा दिया है, राइट। और इसी के साथ साथ व्यू मोड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू मिल जाते हैं, चार मेन्यू मिलते हैं बेसिकली आपको, एक रोटेटिंग, एक लिस्ट, एक ग्रिड वाला और आई वॉच वाला मेन्यू मिलता है। और लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको फ़ोन कॉल और थिएटर का ऑप्शन मिलता है, लो पावर मोड भी मिल जाता है यहाँ पे, कॉल रीसेट है, AI वॉइस है, ऑलवेज ऑन है और सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेटिंग है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाता है, पावर से और इसमें मिल जाता है, USB मोड मिल जाता है और अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है, शट डाउन और रिबूट रीसेट। इसमें भी आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है बट इसमें आपको इन द मेन्यू इटसेल्फ मिलता है, और विजनरी में आपको इन सेटिंग्स में मिल जाता है। तो टाइप करते हैं, होम पे चलते हैं, ये देखो ऑलवेज ऑन इस तरीके से काम करती है, तो इससे ज़्यादा बेटर है इसमें ऑलवेज ऑन, राइट। अब गाइज ये आ गया मेन मेन्यू, बट मेन मेन्यू पे जाने से पहले हम एक बार शॉर्टकट्स चेक कर लेते हैं। राइट साइड में स्वाइप करते हैं तो शॉर्टकट्स मिल जाते हैं दोनों में ही, और SPU2HR, इवन आपको BP मॉनिटर भी मिलता है इसमें, तो इस वाले में एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। BP मॉनिटर किसमें मिलता है, विजनरी में आपको, यहाँ पे कैमरा शटर का भी शॉर्टकट रख सकते हो। शॉर्टकट्स आप यहाँ पे बहुत सारे रख सकते हो, इसका भी, सॉन्ग का भी रख सकते हो, इसमें भी आप सॉन्ग्स को मतलब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है, टॉगल मेन्यू में मिल जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ यहाँ पे कौन सा रखना है, यहाँ पे लोकल म्यूजिक पे रखना है, टीडलोस पे रखना है या फ़ोन मोड पे रखना है, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, राइट। टैप करते हैं, होम पे चलते हैं। उसी के साथ साथ लेफ्ट साइड में अगर आप स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको एक स्प्लिट स्क्रीन मिल जाती है विजनरी में, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये म्यूज़िक प्लेबैक पर मिल जाता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी सॉन्ग डाल दी गाइज, कल मैंने करीब 1.5 GB डाटा इसमें डाला और यहाँ पे बहुत सारी सॉन्ग्स पड़ी हुई ऑलरेडी, देख सकते हो भर भर के मैंने सॉन्ग डाली, सॉन्ग प्रॉपरली वर्किंग है। बट आई डोंट नो यहाँ पे ब्लूटूथ क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, मतलब TWS नहीं इससे कनेक्ट हो रहे हैं, मैं एक बार चेक करूँगा दोबारा, वैसे ट्राई करूँगा, वैसे इसमें कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, मैं करके देखूँगा। वैसे इसमें बच जाते हैं, अच्छी तरीके से वर्क करते हैं और लाउडनेस भी अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ पे ये इस तरीके के शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, वापस होम पे आते हो, यहाँ पे आपको ये स्प्लिट स्क्रीन मिलती है जो रीसेंट मेन्यू वो शो करता है, और यहाँ पे आपका वेदर शो करता है, यहाँ पे डेट शो करता है, यहाँ पे टाइम, राइट। टैप करते हैं, होम पे चलते हैं। नीचे से अगर ऊपर को स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको ये मैसेज शो कर देता है इस तरीके से, राइट। और ये क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें भी मतलब वो वाले होंगे ना, मतलब इमोजी टाइप के, तो इमोजी में क्वेश्चन दिखाता है, क्वेश्चन मार्क, राइट। और गाइस आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वन सेकेंड। अब गाइज यहाँ पे मेन जो मेन्यू है इस पर चलते हैं। मेन्यू लाने के लिए इसको आपको टैप करना है, इस बटन को यहाँ पे आपको इस पर टैप करते तो ये मेन्यू आ जाता है। और स्टेप्स काउंटिंग सबसे पहले मिलता है दोनों में ही। स्टेप्स काउंटिंग में इस तरीके से आपको पूरा डाटा शो करता है जो आपने रन किया है प्रॉपरली, जो एक्टिविटी परफॉर्म की है। और उसी के साथ साथ स्लीप मॉनिटर मिल जाता है, उसके बाद स्लीप मॉनिटर इस तरीके से प्रॉपरली इसमें शो करता है जब आप इसको पहन के सोओगे,
ये बैक करने के लिए ऑप्शन मेरे ख्याल से नीचे वाली बटन, हार्ट रेट मिल जाता है दोनों में ही, यहाँ पे फ़ोन कॉल मिल जाता है ऑप्शन, अभी कनेक्टेड नहीं है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको कनेक्ट करके। हार्ट रेट को मेज़र करते हैं एक बार, तो मेज़र फील्ड बता रहा है दोनों में ही, ये अच्छी बात है। और बैक करते हैं, हार्ट रेट के बाद हम चेक करते हैं ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, यहाँ पे भी SpO2 चेक करते हैं। वियर फील्ड, तो इस तरीके से यहाँ पे सेंसर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे इवन BP मॉनिटर भी मिल जाता है, इसमें BP मॉनिटर मिल जाता है आपको, तो चेक करते हैं। तो मेजर फील्ड दिखा रहा है दोनों में ही, तो यहाँ पे SpO2 HR और BP मॉनिटर तीनों यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, ओवर द एयर नहीं स्कैन कर रहे हैं। अब ओवर द सर्फिस में मैं आपको दिखा दूँ एक बार, तो गाइस बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं तो दिखा देता हूँ मैं आप सभी को। तो गाइस तुरंत इसने बोला है कि मेजर फेल्ड, और उसमें भी मेजर फेल्ड दिखा रहा है। SpO2 चेक करते हैं, मुझे लग रहा है इसमें बता सकता है शायद, देखिए इस ऑल टाइम तो सही नहीं बताएगा, कभी कभार हो सकता है बता दे। ओवर टू द सर्फेस भी यहाँ पे देखो नहीं बता रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है ओवर टू द सर्फेस। BP चेक करते हैं, इसमें BP हमने चेक कर लिया था आई गेस विजनरी मतलब इनविंसिबल पे, यहाँ भी नहीं बता रहा और यहाँ भी नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे सर्फेस टेस्ट को भी फ्लाइंग कलर से पास कर चुका है, और दोनों ही वॉचेस यहाँ पे अच्छा काम कर रही हैं। अब गैस बैक करते हैं और चीज़ चेक करते हैं, यहाँ पे आगे बात करें, यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज मोड्स मिल जाते हैं। म्यूज़िक कंट्रोल में आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, TWS को पेयर कर सकते हो, यहाँ भी आप TWS को पेयर कर सकते हो और सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ 15 सॉन्ग स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे 1500 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। स्पोर्ट्स मोड पे चलते हैं, यहाँ पे 100 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, यहाँ पे भी आपको 100 तक मिल जाते हैं देखने के लिए, यहाँ पे इस तरीके से, और आइटम मिल जाते हैं इसमें भी, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। रनिंग पे चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाता है दोनों में चेक करते हैं, तो इस तरीके से आपको शो करता है ये सब चीज़ें। स्टेप्स है, किलोमीटर कितना है, KCL कैलरी कितनी बर्न की है, और आपका हार्ट रेट शो करता है। एग्जिट करते हैं, यहाँ पे भी एग्जिट कर देते हैं, बैक करते हैं। एक्सरसाइज रिकॉर्ड, यहाँ पे स्पोर्ट्स हिस्ट्री सेम मतलब चीज़ें हैं दोनों में ही, ये रही, इसमें भी आपको डाटा शो करता है जब आपका, और रिसेंट्स यहाँ पे रिसेंट में चीज़ शो करता है, फ़ोन रिसेंट्स दिखाता है, और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी आपको दोनों में देखने को मिलता है। वेदर अपडेट्स भी शो कर देता है ये रहा, इसमें भी आपको वेदर अपडेट्स मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन वाला है, इसमें थोड़ा सा नॉर्मल है। डायल पैड यहाँ पे भी मिल जाता है आपको, अभी जब कनेक्टेड रहेगा तब दिखाएगा आपको। कॉन्टैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, हंड्रेड्स ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो, ये मेरे को बहुत ही बेटर लगा विजनरी का मतलब इनविंसिबल का, जो कि विजनरी में सिर्फ 80 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो। और मैसेजेस शो करता है यहाँ पे इस तरीके से, और टाइमर है, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, इसमें भी फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का, हाँ इसमें आई गेस ऑप्शन नहीं दिया गया फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का इनविंसिबल में, एप्लीकेशन में मैं एक बार चेक कर लूँगा। वैसे कैलकुलेटर आपको दोनों में देखने को मिलता है, इस तरीके का मिल जाता है, और उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक आप इसमें अलार्म वॉच में सेल्फ लगा सकते हो, ये मेरे को बहुत ही बेटर लगा। इसमें आपको वॉच में अलार्म लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता विजनरी में, इसमें एप्लीकेशन के थ्रू करना पड़ेगा। AI वॉइस का ऑप्शन इसमें मिल जाता है आपको, और स्टॉप वॉच मिल जाती है, यहाँ पर आपको QR कोड मिल जाता है और अदर्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको गेम्स नहीं मिलते हैं, ये थोड़ा सा है विजनरी में, यहाँ पर आपको इसमें भी गेम्स नहीं मिलते हैं। कैमरा शटर इसमें मिल जाता है, इसमें भी आपको कैमरा शटर मिल जाता है, बट फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन दोनों में से किसी में नहीं है, तो ये मेरे को लगा फ्लॉ है, देना चाहिए था कंपनी को। और यहाँ पे हम होम पे आते हैं, तो इस तरीके का मिल जाता है। अब गैस दोनों का ही हम कॉलिंग फीचर और साथ में SpO2 लेवल, अब गैस दोनों का ही हम कॉलिंग फीचर और साथ में AI वॉइस चेक कर लेते हैं, और गो टू द हैंड्स हम वो भी चेक कर लेंगे, राइट। सो गैस फाइनली यहाँ पे पेयर हो चुकी है दोनों ही वॉचेस, यहाँ पे इस तरीके का लुक मिलता है, और हम मिलाते हैं कॉल, ये रही, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इससे मिला के देखते हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से कैसे वॉइस आती है। तो गैस एक तो मैंने दोनों ही वॉचेस कनेक्ट करके एक फ़ोन से, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको दिखाएगा, बट बोलेगा इसमें तो इस तरीके से आपको कॉल क्वालिटी मिल जाती है। इसमें से प्लान बारे जानकारी में अभी रिचार्ज करने कृपया करके लिंक पे क्लिक करें।
देख सकते हो आप गाइस यहाँ पे, ये रहा ओके वापस से आपका आ गया ये। राइट, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो कॉल को आप इवन टू द फोन्स, और वापस से आप इसमें भी ले सकते हो कॉल। राइट, तो यहाँ पे अब गाइस इसमें चेक करते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे आपको यहाँ पे स्पीकर क्वालिटी मिलती है। अब गाइस इसमें भी आ रहा होगा, देखना ध्यान रखना, ये देखो, पर इसमें वॉइस इसी में आएगी, ये फुल है वॉइस, इसकी वॉइस कम है एज कम्पेयर टू विजनरी। यहाँ पे आपको एक चीज़ और नहीं मिलती विजनरी में, जो कि है मतलब इनविजिबल में, जो कि है कॉल ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन। फ़ोन में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कॉल को, बट आप इसमें विजनरी में कर सकते हो, तो ये प्लस पॉइंट है इसका। और यहाँ पे आप इस तरीके से कट कर सकते हो। राइट, अब गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमारा AI वॉइस असिस्टेंट है उसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले करेंगे, यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा कहाँ पे है एक्चुअली, यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट, ये दिक्कत है इसमें ढूंढने में, इनको शॉर्टकट दे रहे चाहिए वैसे। व्हाट इज द वेदर ऑफ मुंबई, तो इसने शायद पूरा नहीं सुना है, तो इस तरीके से बता रहा है गाइस। ठीक है, अब गाइस कॉल मिला के देखते हैं एक बार, कॉल भी मैंने मेरे ख्याल से मिला देगा, कॉल 198। कॉल 198, तो इस तरीके से आप कॉल भी मिला सकते हो। राइट, कट कर देते हैं। अब गाइस इसमें चेक करते हैं यहाँ पे कैसे काम करता है, सेटिंग पे जाना है आपको, सेटिंग में नीचे को मिल जाएगा AI वॉइस। व्हाट इज द वेदर ऑफ मुंबई, इट्स 29 विद लाइट शावर्स टुडे, देयर विल बी आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म्स विद अ कॉल 198। नहीं हुआ, कॉल 198। तो एक बार में नहीं लेता है, तो दूसरी बार आप करिए तो यहाँ पे आराम से ले लेगा। राइट, इस तरीके से कॉल मिल जाती है। राइट, अब गाइज हैंड में पहन लेते हैं और चेक कर लेते हैं SP2HR दोनों का ही, और लुक और फील भी देख लेंगे साथ में, किसका बेटर है किसका नहीं है। तो गाइस दोनों को मैंने पहन लिया, यहाँ पे लुक और फील देख सकते हो इस तरीके का मिलता है आपको, और AMOLED डिस्प्ले पे बहुत ही कूल लग रहे हैं दोनों ही वॉलपेपर्स, और डेफिनेटली यहाँ पे आई वॉच वाला मेन्यू है, इसमें भी आपको आई वॉच वाला मेन्यू मिल जाता है वैसे तो, और डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल विस्ट के लिए बिल्कुल नहीं है विजनरी मतलब ये इनविजिबल, हाँ लार्ज विस्ट के लिए बहुत ही अच्छी लगेगी ये आपकी, स्मॉल विस्ट पे चल जाएगी, मीडियम विस्ट पे बहुत अच्छी लगेगी, ये मीडियम विस्ट है मेरे, तो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। SP2HR को चेक कर लेते हैं एक बार, तो गाइज ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे रिजल्ट्स हैं देख सकते हो, यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं। SP2 चेक करते हैं एक बार, SP2 ये रहा, तो इनविंसिबल ने बता भी दिया यहाँ पे 98 दिखा रहा है, और अभी विजनरी जो है वो स्कैन कर रही है, तो यहाँ पे 98 शो कर रहा है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता आप SP2 के लिए वॉचेस को एकदम ठीक माने। और यहाँ पे काम करते हैं हम, चेक कर लेते हैं BP मॉनिटर भी। राइट, BP अभी तक गाइज यहाँ पे विजनरी ने बताया भी नहीं है, यहाँ पे 97 शो कर रहा है इस तरीके से। राइट, तो इतना डिफरेंस देखने को मिल जाता है आपको, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इसको ना यूज़ करें, आप ऑक्सीमीटर ही यूज़ करें। राइट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
बीपी चेक कर लेते हैं। बीपी मैक्सिमम वॉचेस में आपका अच्छे से काम नहीं करता है, तो मैं बीपी को तो बिल्कुल भी सही नहीं मानता वॉच में। तो खासकर चाहे आप 10,000 की भी वॉच ले लें तो उसमें बीपी मॉनिटर अच्छा काम नहीं करता है, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी। गाइज वैसे लुक और फील दोनों ही वॉचेस का बेटर आ रहा है, बट ज़्यादा मेरे को प्रीमियम फील हो रही है विजनरी एज़ कम्पेयर टू इनविंसिबल। बट इनविंसिबल उनके लिए बेटर है जिनको मतलब ज़्यादा फीचर्स चाहिए, ज़्यादा फंक्शंस चाहिए, तो इनविंसिबल के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। और ये सब चीज़ें आपको दोनों में देखने को मिल जाती हैं। अब गाइज लेनी कौन सी बेटर रहेगी? गाइज ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा महंगी है, अभी तो 6,000 रुपीज़ की चल रही है। वैसे इसका प्राइस नॉर्मल 7,500 रुपीज़ चलता रहता है, बट अभी ऑन ऑफर ये आपको देखने को मिल रही है। टीडलोस पेरिंग का ऑप्शन और इंटरनल मेमोरी आपको दोनों में देखने को मिलती थी, एमोलेड डिस्प्ले दोनों में देखने को मिलती है, पंची कलर डीपर ब्लैक दोनों में देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पे क्राउन वर्किंग है विजनरी का, और ओवरऑल यहाँ पे लुक और फील भी ज़्यादा प्रीमियम आ रहा है। और प्राइसिंग जो है इसका अभी 3,500 रुपये मिल रही है, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ग्रैब कर सकते हो वैसे। और बट गाइज अमेजोन पर प्राइस 5,000 रुपीज़ तक जा चुका है, और अमेज़ॉन से तो मैं वर्थ नहीं समझता अभी इसको लेने की। बट अगर आप और रुकना चाहते हो तो रिपब्लिक डे तक रुक सकते हो, वैसे रिपब्लिक डे पे भी आपको अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं, वैसे देख लेना किस तरीके से कैसे मिलेंगे। बट और कंपैरिजंस के लिए इस तरीके के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।